अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोजीना। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही और बेसन का एक अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। मैंने 3 कप दही लिया है। भी ऐड करते हैं 1/2 कप बेसन। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड हो गया है। अभी एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अभी ऐड करते हैं 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अनियन सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। अभी इसको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और फिर इसको अच्छे से भूनते हैं। अभी ऐड करते हैं 1/2 कप टोमेटो प्यूरी। इसको भी भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अभी इसमें दही और बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करते हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं 750 ml वाटर। इसको अच्छे से मिक्स करके कुक होने के लिए रखते हैं। इसको 30 से 40 मिनट के लिए कुक करना है। तब तक हम पकोड़े तैयार करते हैं। पकोड़े फ्राई होने के लिए एक पैन में ऑयल रखते हैं गर्म होने के लिए। अब इधर पकोड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 मीडियम साइज स्लाइस्ड अनियन लिया है। अभी ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1/2 कप चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, 1 कप बेसन। भी ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। पकोड़े का बैटर तैयार है। बीच बीच में कढ़ी भी चलाते रहेंगे। पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी सारा पकोड़ा एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ऐसे सेम प्रोसेस में सारा पकौड़ा फ्राई कर लेते हैं। अभी सारे पकौड़े कढ़ी में ऐड करते हैं। और इसको मीडियम हीट में कुक करते हैं। कढ़ी अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अभी इसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अभी उसमें 2 ड्राई रेड चिली ऐड किया, भी ऐड करते हैं 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड। अभी इसमें ऐड करते हैं कुछ करी पत्ता। तड़का तैयार है, अब इसको कढ़ी में ऐड करते हैं और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में दम पे रखते हैं। 5 मिनट हो गया है, कढ़ी पकौड़े तैयार है। चले डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए।